हेलो व्यूअर्स, आप सभी का टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक इवनिंग स्नैक की रेसिपी जो काफ़ी क्रिस्पी और चीज़ी है। इसका नाम है आलू चीज़ बॉल्स। आप इसे एज अ पार्टी स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और शाम की जो छोटी छोटी भूख होती है उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इन चीज़ बॉल्स को बना के फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं लगभग एक हफ्ते के लिए। जब मन चाहा निकालिए फ्रिज से, फ्राई कीजिए और इसे खा जाइए। ऐसे ही और भी मज़ेदार रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं जिसे अच्छे से उबाल लिया था और उसे मैश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिली फ्लेक्स के साथ। इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और कुछ फ्रेशनेस लाने के लिए इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। फिर मैंने ऐड किया है ओरिगानो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी आलू को उबालकर इस्तेमाल किया है तो वो आसानी से मैश हो जाएगा, लेकिन पहले से ही अगर आपके पास उबले हुए आलू रखे थे फ्रिज के अंदर तो उसे आप ग्रेटर की सहायता से मैश करके यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की जगह आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अब जो हमारा मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और बॉल्स बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है, उसे फ्लैट कर लेंगे हम और इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीज़। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसे हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो फिर प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ को आलू के मिश्रण से अच्छे से कवर कर लेंगे और एक परफेक्ट शेप दे देंगे। आप चाहे तो छोटा या बड़ा कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं उसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसमें हरे मिर्च काटकर ऐड कर सकते हैं। हमारे सारे चीज़ बॉल्स यहाँ पे बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पे कोट करने के लिए एक स्लरी बनाते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा, हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च डाल देंगे और साथ ही में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी हम इसमें धीरे धीरे करके ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम पतला घोल बनाना है। बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का घोल हमें चाहिए, इसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। और साइड में ब्रेड क्रम्स भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हमारे चीज़ बॉल्स को पहले कोट करते हैं कॉर्नफ्लावर के स्लरी में और फिर इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अब ये जो कोट करके हमारे चीज़ बॉल्स रेडी हुए हैं, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं लगभग एक हफ्ते के लिए। जब मन चाहे इसे निकालिए, फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। ब्रेड क्रम्स की जगह आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स का जो चूरा है उसके साथ भी इसे कोट कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा हमारा चीज़ बॉल्स। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है और उसमें हम एक एक करके चीज़ बॉल्स को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। एक स्पून की सहायता से इसे पलट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि इसमें जो कलर है वो इवनली आ जाए। बहुत बढ़िया कलर भी आ चुका है। चलिए एक एक करके इसे निकालेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे भी हम फिल्टर कर लेंगे और इसे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मज़ेदार रेसिपी घर पर बना सकें। और भी कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।